नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप सभी के सामने एक रिक्वेस्ट को आज पूरा करने के लिए आया हूँ, जिसको पूरा करते हुए मुझे काफ़ी खुशी भी हो रहा है। मुझे काफ़ी सारे पेरेंट्स लोगों ने शॉर्ट हाइट के बारे में एक वीडियो प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी दिनों से फेसबुक पे और यूट्यूब में भी रिक्वेस्ट भेजा था। शॉर्ट हाइट के कुछ कारणों के ऊपर, शॉर्ट हाइट तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब एक एवरेज एज के हिसाब से जितनी लंबाई होनी चाहिए उसका ना होना ही शॉर्ट हाइट कहा जाता है, या बौनापन भी आप कह सकते हैं। तो शॉर्ट हाइट होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें जेनेटिक्स, आनुवंशिक कारण को बहुत प्राथमिकता दिया गया है। कई बार पारिवारिक में स्थिति में ऐसा देखा गया कि परिवार के अधिकांश लोग ही, खासकर बच्चे के माता पिता ही शॉर्ट हाइट के हैं, तो बच्चे को भी ऐसा रहने की संभावना रहती है। कई बार कई तरह की क्रॉनिक डिजीजेज रहती है, जैसे अस्थमा हो गया, IBD हो गया, डायबिटीज़ हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या जुबेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस हो गया, या हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह के वजह से भी कई बार देखा गया है कि हाइट उतना नहीं बन पाता है जितना एज के हिसाब से बनना चाहिए। कई बार ग्रोथ हार्मोन डिफिशेंसी नामक एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ग्रोथ हार्मोन डिफिशेंसी, जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ में भी देखा जाता है। तो उस हार्मोन से रिलेटेड भी कई बार ये देखा गया है कि जिनको ये प्रॉब्लम है या इन हार्मोन का डिसफंक्शन है, उसके वजह से भी हाइट ग्रोथ नहीं होता है। माल न्यूट्रिशन के वजह से भी देखा गया, कुपोषण जनित बच्चों का कई बार जो है जिस एवरेज से हाइट बढ़ना चाहिए वैसा हाइट नहीं बनता है। कई बार क्या है, साइकोसोशल स्टेटस के वजह से भी ऐसा होता है। कई बार सामाजिक स्थिति में ऐसा देखा गया है कि एक कम्युनिटी में सभी लोग उसी तरीके के हैं, तो उनका हाइट उसी तरीके में ही उतने पे ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। इसके लेकर के कई टिप्स मैं आपके सामने रखूँगा, उसमें सबसे मुख्य टिप्स है बैलेंस डाइट का होना। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जो अंडरवेट के बारे में था, उसके वही चीज़ इसमें भी अप्लाई होता है कि कैलोरी और बैलेंस डाइट को ठीक से आप डॉक्टर से या डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर अगर आपको कोई सप्लीमेंट दे रहा है तो उस सप्लीमेंट को आप टाइम से लेते रहिए। आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिए कि राइट टाइम पर सोना चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखने का कोशिश कीजिए, गुड पोजिशन पे, मतलब अच्छे तरीके से आप योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं उस चीज़ को करके आप दूसरी तरीके की बीमारी को मोल ले ले। अगर आपके पास में अच्छा ट्रेनर है तो आप उस ट्रेनर के माध्यम से उस हाइट के लिए कुछ एक्सरसाइजेज आती हैं या योगा आता है, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको डाइट में बताऊँगा कि आप जो है नॉर्मली जो है मल्टी मिनरल्स वाली डाइट है या विटामिन है, कैल्शियम रिच डाइट है, जिसके वीडियोस में मैंने पहले भी वर्णन किया, इन चीज़ों को आप बैलेंसिंग करके पूरे डाइट में इंक्लूड अगर करते हैं तो आपको जो शॉर्ट हाइट की समस्या है काफ़ी हद तक ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। 21.5 ईयर्स तक जो है लगभग आप एवरेज हाइट तक पहुंचने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप 10 साल के हुए हैं या 5 साल के हुए हैं तो आप हाइट को अचीव नहीं कर सकते हैं अपने एज के हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से आप तक जो जानकारी मैंने शेयर करने की कोशिश किया आपके लिए लाभवान रहेगा। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल हो या आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया गया है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।